पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज गुजरात के लाभार्थियों से कर रहे हैं मुलाकात। देश में 47 करोड़ 78 लाख से अधिक के कोविड रोधी टीके लगाए गए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर शत प्रतिशत टीकाकरण करने वाला पहला शहर बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। खगड़िया में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाके में बोट एम्बुलेंस के माध्यम से कोरोना टीकाकरण और जांच का काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम में कई विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई की। औरंगाबाद में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि राज्य के विभिन्न शहरों में सड़क जाम की समस्या से नागरिकों को मुक्ति दिलाने के लिए संपर्क पथ का निर्माण कराया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर शिक्षकों के वेतन समेत अन्य मुद्दों में लंबित राशि जारी करने की मांग की है। दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलायम सिंह यादव ने की मुलाकात। राजद सुप्रीमो ने कहा, देश को समाजवाद की है जरूरत। मौसम विभाग ने सीमांचल और मिथिलांचल के अधिकतर स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया।